एक्सक्लूसिव खबर का वक्त हो गया है। एस्टर डीएम के प्रमोटर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। इस एक्सक्लूसिव खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अनुराग जोशी जुड़ गए हैं। अनुराग, बताए क्या खबर है ये? हमारे सूत्रों ने ये खुलासा किया है कि एस्टर डीएम हेल्थकेयर के जो प्रमोटर्स हैं, उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक निवेशक को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बेचने की इच्छा जताई है और वो एक इन्वेस्टर को कंपनी में लाने के बहुत ही इच्छुक और बहुत ही ओपन हैं। अभी सूत्रों ने ईटी नाउ स्वदेश को बताया कि हाल ही में इस संदर्भ में बातचीत कुछ निवेशकों के साथ, जिनमें कि KKR एंड कंपनी, ये एक अमरीकी प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, इनके साथ हुई है। और ये माना जाता है कि ये बातें बहुत ही प्रिलिमिनरी हैं, लेकिन कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, इनका ये प्लान है। अभी हम आपको बता दें कि हाल ही में नवंबर के अंत में जो एस्टर डीएम के प्रमोटर्स हैं, उनके जो चेयरमैन हैं आज़ाद मूपिन, उन्होंने कंपनी का जो गल्फ बिजनेस है, जो कि मिडिल ईस्ट में है, उसको अलग करके उस कंपनी में जो हिस्सेदारी है एक अन्य कंपनी को बेच दी थी। उस कंपनी का नाम अल्फा GCC होल्डिंग्स है, जिसमें हिस्सेदारी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो 65% है फजर कैपिटल, जो कि एक UAE का फंड है, और बाकी एस्टर डीएम के प्रमोटर्स के साथ है। अभी जब ये ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, उनका अभी ये प्लान है, आगे जाने का ये प्लान है कि जो भारत का बिजनेस है उसमें भी वह एक निवेशक लाना चाहते हैं, और इसके बारे में बातचीत की जो मुहिम है वो आगे और बढ़ सकती है। एस्टर डीएम के जो प्रमोटर्स हैं, उनकी ये अभी सोच और उनकी ये धारणा है कि वह अपने जो भारत के बिजनेस में हिस्सेदारी ज़रूर बेचना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो कमिटमेंट है जो भारत के बिजनेस के लिए, और जो वो अभी चला रहे हैं बिजनेस को, वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन मेन खबर अनुराग जी यही है कि एस्टर डीएम के प्रमोटर कंपनी में हिस्सेदारी बेच सकते हैं, और इसके लिए प्रमोटर की हिस्सा बेचने के लिए कई पीई फंड से बातचीत चल रही है। KKR जैसे पीई फंड के साथ शुरुआती दौर में यह बातचीत है, और एस्टर डीएम में प्रमोटर्स की करीब 42% हिस्सेदारी है। शुक्रिया अनुराग आप पूरी डिटेल्स बताने के लिए। जय, चार्ट और इस खबर को देखकर बताएं एस्टर डीएम हेल्थ केयर क्या करना चाहिए इस शेयर में। जय, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। या सो एस्टर डीएम पर हम देखें तो जो स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन लेवल था अराउंड 330 के, वहां पर बहुत टाइम से अराउंड देखें तो सितंबर के लेवल से अभी तक काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। उसके बाद ब्रेकआउट आया, वो ब्रेकआउट अराउंड 420 के ऊपर गया, वापिस से नीचे। So, यहां से मुझे लग रहा है किसी को ट्रेड करना थोड़ा वेट करना चाहिए। अराउंड 389 के लेवल तक अगर स्टॉक आ जाएगा तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट के वेट करना चाहिए थोड़ा 389 के लेवल तक। और अगर किसी को एग्रेसिव ट्रेडर है तो ये भाव से खरीद के चल सकते हैं। अराउंड 401 के बाद ये स्टॉक को खरीद के चल सकते हैं। बट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ तो 389 वुड बी अ टारगेट प्राइस, वहां से बाय करने का स्टार्ट हम कर सकते हैं। टाइम करेक्शन थोड़ा ये स्टॉक ले सकता है बिकॉज RSI काफी ओवरबॉट पोजिशन पर दिखा रहा है, और प्लस ROC के वहां से भी काफी अपसाइड ऑलरेडी आ गए। सो आई वुड सजेस्ट वेट करना चाहिए, थोड़ा वेट करिए और फिर ये स्टॉक को बाय करके हम चल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा वेट करें एस्टर डीएम की फ्रेश खरीदारी के लिए, पर चलिए